यह नेता राम खिलावन एंड फैमिली। अरे सीएम का ये भैया राम खिलावन सीएम एंड फैमिली। पीएम ने सीएम को झाड़ा, भारत फिर मैच हारा, मुशर्रफ ने दी है परमाणु हथियार की धमकी, फ्लॉप हो गई फिल्म सन की, गेहूं फिसला सोना चढ़ा, परदेश में गल नुचवा का आतंक बढ़ा। जरा राजनीति बिटिया, ये गल नुचवा वाला न्यूज क्या है, बिना पढ़े सुनाया जाए। माऊ जी, गल नुचवा लोगों के गाल नोचता है तो गाल सूझ के गुलाब जामुन हो जाता है। उसने परदेश में कई लोगों के गाल नोचे हैं। पापा मुझे तो लगता है लोग कोई कहानी सोचे हैं। नहीं माऊ जी, ये गल नुचवा एक खतरनाक कीड़ा है, पुलिस ने जिसे खत्म करने का उठाया बीड़ा है। पर रंजीत बेटा, हम तो सुने हैं कि गल नुचवा कोई खतरनाक आदमी है जो लोगों का गाल नोच रहा। नहीं, कल टीवी में दिखा रहे थे कि एक आदमी जिसका गाल नोचा वो बता रहा था कि गल नुचवा एक 55 पर वाला कीड़ा है। अच्छा? हाँ, जो गाल नोचता है। पापा आपको कुछ करना चाहिए। क्या करें बेटा, गल नुचवा का गाल नोच ले का? नहीं, अपनी पब्लिक को उसके आतंक से बचाइए, नहीं तो सबके गाल नोच नोच के सुझा देगा। अरे बेटा, अच्छा है ना कि प्रदेश में सब जनता का गाल फूला फूला रहेगा, नहीं तो सबका गाल पचका पचका सूखा सूखा लगता है। काय मरती देवी, का खा रही हैं? कुछ नहीं, गाल का फूला हुआ है। रसगुल्ला खा रही है अम्मा? नहीं, मुझे तो लगता है मम्मी ने रसगुल्ला दबाया होगा। गाल सूज गया है। गाल कैसे सूज गया भाई? पापा तो रात को तो ठीक था, आप खुद ही देखे थे, सुबह जब उठा तो रसगुल्ला की तरह फूल गया है। अम्मा को गाल कुछ हुआ तो नहीं काटा? अरे रोइए नहीं भाई, रोइए नहीं। क्या हुआ क्या दीदी? मुझे नहीं। हाय पाप, दीदी को बोल। ए जीजा, अकेला जान के कहीं सूत तो नहीं दियो मेरी दीदी को? How dare sit like this, not follow? चुप, पकड़ा गया है क्या? अरे लेकिन दीदी को हुआ क्या है? गाल फूल गया उनको, हुआ क्या है दीदी, बोलो ना मुझसे। ओ दर्द हो रहा माँ, मुझे। दीदी वो स्वर्गीय हो गए, तुम बोलो ना तुमको कौन तंग किया, मुझसे बोलो। अम्मा को गल नुचवा ने काटा। कौन है गल नुचवा, उसको बम मार देंगे जीजा। हाँ बात में मारना, पहले पता करो है कौन। कौन है? कौन कीड़ा है? हाँ? अरे मम्मी को दर्द हो रहा है, कोई डॉक्टर को बुलाओ। एक मिनट, चिंता मत करो दीदी, हम हैं, सब्र करो जीजा, अभी आते हैं। दर्द हो रहा है। देखिए, घबराइए नहीं, घबराइए नहीं भाई, वो डॉक्टर को लेने गया है, उठा के ला रहा है डॉक्टर को, घबराइए नहीं। पता नहीं क्या खाता है डॉक्टर। चल बे लोक, ही इज मुख्यमंत्री का वाइफ स्लीपिंग। आगे बढ़ के देखिए, गाल क्यों सूझा है? अरे इसका गाल तो खुद ही सूझा हुआ है। ले लौटा, डॉक्टर कभी गाल पूछवाने काटा का? नहीं नहीं, एक मिनट, अपना गाल का स्टोरी बाद में, पहले दीदी का कथार्सिस देखो। जी। हाँ, मुंह खोलिएगा, मुंह खोलिए, मुंह खोलिए, इधर इधर मुंह करिए। अरे खीरे, चेक तो करना ही पड़ेगा ना। अरे चेक क्या करेगा ये डॉक्टर, इसको तो खुदा गल नुचवा काटे हुए है, तू सही डॉक्टर लेके आएगा नहीं? अरे जीजा, विद्या रानी का कसम, दुकान के आगे 10-12 को डिग्री लगाए हुए था भाई। अरे हम MBBS मंत्री। खामोश, रिश्ते में तो हमारे जीजा भी MBBS लगते हैं। हाँ, मियां बीवी बच्चा समेत। जी देखिए देखिए देखिए। जी जी जी, जरा मुंह इधर घुमाइएगा। हाँ मुंह खोलिए। हाँ, मुंह खोल के बोलिए आ आ आ। हाँ, थोड़ा और आ आ, थोड़ा और आ। संगीतकार मुंह खुलवा रहा है कि गोदाम खुलवा रहा है? चेकअप तो करने दीजिए। अरे मुंह में बैठ के चेकअप करेगा क्या, इससे ज्यादा नहीं खुलेगा। जी जी। क्या हुआ जी? अरे देखने तो दीजिए। देख रहा है कि टीवी देख रहा है? हम कह रहे हैं अम्मा को गल नुचवा ने काटा है। अच्छा? अरे नहीं नहीं, वो कीड़ा। वही तो हम कह रहे हैं, गल नुचवा बहुत बड़ा कीड़ा है ना डॉक्टर? अरे नहीं, वो बोलो मत, दवाई दो। लेकिन वो सूजन है। सूजन मचा दो, जब जीजा कर रहा है दवाई दे तो दवाई दे। दवाई ले, दवाई ले, दवाई ले। मुंह खोल के खा लीजिएगा, ठीक हो जाएगा ना? ठीक हो जाएगा, लेकिन वो क्या है कि वो मुंह में। इधर आओ। नहीं ठीक हुआ तो समझे।
सा गाल लाल हो गया है। बाबूजी हम कहते हैं ये सब उगल नुचवा का कांड है। हमको भी ऐसा ही लगता है। जीजा आप पता लगाइए कौन है ये गल नुचवा जो प्रदेश में कांड फैलाए हुए। जीजा तो कहा चाहते हो कमीशन बिठा दे। कमीशन बिठाए जीजा? अरे कमीशन बिठाइए चाहे लेटाइए जीजा। विद इन अ वीक हफ्ता भर के अंदर अगर ये नहीं पता चला कि ये कौन है तो हम समझ लेना जीजा। ठीक है हम आज ही कमीशन बिठा देते हैं, मतलब लिटा देते हैं। क्या? हाँ इंक्वायरी कमीशन बैठाना है। हाँ गाल नुचवा पे। हाँ ये गाल नुचवा होता क्या है सर? अरे यही तो पता करना है। हमको तो लगता है कि कोई विदेशी आतंकवादी का हाथ है, प्रदेश की सरकार को अस्थिर करना चाहता है, प्रदेश की जनता को भयभीत किए हुए है। आप एक हाई प्रोफाइल कमीशन बिठा दीजिए। ऐसा कुछ नहीं है सर, आप तो खामोखा खामखा जाकर देखिए इमरती देवी का गाल कैसे सूजा हुआ। सर किसी बरसाती कीड़े ने काट लिया होगा। बरसाती कीड़े ने? और वो जो जनता चिल्लपो मचाए हुए और जो अखबार में रोज निकल रहा है सो? ये तो पिछले 15 दिन से छप रहा है सर, आपने आज तक जांच कमीशन नहीं बैठाया। तब किसी वीवीआईपी का गाल नहीं नोचा था वो। देखिए उसकी हिम्मत, इमरती देवी के गाल पे अटैक किया है। अब फौरन एक जांच कमीशन बिठाइए और डॉक्टर का एक विशेष दल पूरे प्रदेश में छोड़ दीजिए, जिसका जिसका गाल सूजा हुआ है उसका चेकअप करे और गलनुचवा को हमारे सामने पकड़ कर ले। पर सर जाकर चाय बोल के आइए। सर मैं चाय, मैं 69 बैच का आईएएस ऑफिसर हूं सर। चाय वाला भी एमबीए है, जाइए। अब देखते हैं कैसे बचता है गलनुचवा। अटैक किया है इमरती देवी के गाल पे। प्रदेश में गाल नुचवा का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। उसके डर से लोग सड़कों पर ही नहीं बल्कि घरों में भी मुंह ढक कर घूम रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि गाल नुचवा एक बहुत बड़ा कीड़ा है, तो कुछ उसे बंदर का बच्चा बताते हैं, तो कोई उसे आतंकवादी। सरकार का एक विशेष दल जो गाल नुचवा की तलाश कर रहा था उसने एक कीड़े को पकड़ लिया है जिसे कहा जाता है कि वो गाल नोचता है। क्या जीजा आपको नहीं पता था? ना सीएम को नहीं मालूम था है? और परसों तक चैनल को मालूम है, तो बड़ा ही तेज चैनल है। सीताराम जी को फोन कीजिए पुत्तन जी और फौरन बुलवाइए। उससे कहा होगा जीजा? अरे वो आके देखेंगे कि कौन सा कीड़ा इमरती देवी को काटे है। हाँ जीजा बड़ी खतरनाक कीड़ा है। यही है वो जो सबका गाल नोच रहा था। नहीं सर मुझे नहीं लगता, ये बेचारा बरसाती कीड़ा है। क्या बात कर रहे हैं, 2 करोड़ रुपया खर्चा करके कमीशन ने बरसाती कीड़ा पकड़ा है? हाँ सर। तो उसको अमेरिका भेजिए। सर अमेरिका से आजकल हमारे संबंध अच्छे हो रहे हैं, इस गाल नोचने वाले कीड़े को वहाँ क्यों भेज रहे हैं? अरे भाई इसको गाल नोचवाने के लिए थोड़ी बोल रहे हैं, इसको तो टेस्ट कराने के लिए भेज रहे हैं। सर डॉक्टरों की जांच से पता चला है कि ये कीड़ा एक मामूली बरसाती कीड़ा है, खामखां इसे विदेश यात्रा क्यों करवा रहे हैं सर? अरे कर्मचारी तो बोतल में भर के तुमको विदेश यात्रा करवाएं। अरे जा करके पासपोर्ट और वीजा का इंतजाम कीजिए, जाइए। किसका? इस कीड़े का? नहीं इस कीड़े का जीजा। हम जाएंगे अमेरिका, इसका टेस्ट करवाएंगे कि 55 पर वाला यही कीड़ा है जो लोगों का मुंह नोचता है जीजा। उत्तन जी आप समझने की कोशिश कीजिए, इसके 55 पर नहीं है, इसके तो गिन के 2 पर है। हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है इसका 53 पर टूट गया हो। हाँ सर हो सकता है। तो अमेरिका भेजिए 10-12 साइंटिस्ट साथ भेजिए और टेस्ट कराइए जीजा। ब्लड प्रेशर मत लीजिए प्लीज, बस एक बार हमको अमेरिका पहुंच जाने दीजिए जीजा। फिर अंग्रेजी सुबह, अंग्रेजी दोपहर, अंग्रेजी शाम जीजा। लो संभाल के ले जाना। मामा हमारे लिए इंग्लिश अचार और इंग्लिश चटनी ले आना, ये लो लिस्ट। मामा ये मेरा मेकअप का लिस्ट। अरे भाई जल्दी कीजिए ना। देखो ये में लड्डुआ सतुआ सब है, हाँ इलेन में भूख लगेगी तो खा लेना। अच्छा दीदी आज हम आप ही के आशीर्वाद से अमेरिका जा रहा हूँ। कैसे? अरे दीदी ना आपको गलनचुआ काटता, ना जीजा कमीशन बैठाते, ना गलनचुआ पकड़ा जाता, ना हम अमेरिका जा पाते। कोई बात नहीं बेटा। ठीक है अब आप जाइए, साइंटिस्ट और डॉक्टर सब आपका वेट कर रहा होगा, जल्दी जाइए। सीताराम जी सामान उठाइए ना थोड़ा सा। ठीक से जाइए। जी दीदी चिट्ठी पत्री लिखो। जी बाय और टाटा दीदी। अब अहमद चले बेटा, बा बेटा
सुनिए जी, हमें पूरा विश्वास है कि हमरा भैया गलनुचवा का पक्का टेस्टिंग करेगा। हेलो, हाँ ठीक है, अब तो आराम है। अरे पूरा मुंह सूज गया था एक तरफ का, गोलगप्पा जैसा। हाँ वो गलनुचवा वाला कीड़ा है ना, हाँ वो अमेरिका ले गया पुत्तन। अरे नहीं, घूमने के लिए नहीं, जांच करने के लिए। हाँ अच्छा, हम रखते हैं फोन, दूसरा फोन आया है। हेलो, हाँ नमस्ते मिसेस जेल मंत्री। अरे नहीं अब तो ठीक है, थोड़ा आराम है। नहीं पूरा मुंह सूज गया था एकदम गोलगप्पा जैसा। हाँ वो गलनुचवा वाला कीड़ा है ना, वो उसको जांच करने के लिए पुत्तन जी ले रहे हैं अमेरिका। हाँ हमको भी लगता है आपको किसन का हाथ है। हाँ बहुत निंदा हुई है, आपको किसन वाला भी निंदा की है। हाँ जांच को बैठाया है। हाँ पुत्तन जी जांच करा रहे हैं। हाँ जी, नहीं हम नहीं गए अमेरिका, हम काहे को जाएं अमेरिका, आप जाइए अमेरिका। हाँ जी हाँ, सब ठीक है। रिपोर्ट तो बहुत बढ़िया है, पर लिखा का है? सर लिखा है जो कीड़ा पुत्तन जी 10 डॉक्टरों और 5 साइंटिस्टों के साथ अमेरिका और फिर वहां से जर्मनी लेके गए, वो मात्र एक बरसाती कीड़ा था सर। आप पुत्तन जी? जीजा, लाइफ में फर्स्ट टाइम से लेके पहली बार तक ये कर्मचारी सही बोल रहा। तो क्या करें, गलनुचवा है कौन? कोई नहीं सर, ये लोगों का वहम है, और इस वहम वहम के चक्कर में आपने पहले 1 करोड़ और फिर 1.5 करोड़ रुपया खर्च करवा दिया। सर इस फाइल को बंद कर दें तो अच्छा है। नहीं जीजा, ये भ्रम नहीं है, ये अपोजिशन की चाल है और पब्लिक की गाल है, जिसको नोच नोच कर अपोजिशन वाला आपको कुर्सी से नोच कर फेंक देना चाहता है। अच्छा जी, पुतन जी पता लगाइए इस कांड के पीछे कौन है। जीजा अब तो इस पर आयोग बिठाना पड़ेगा ना। तो बिठाइए। क्या सर, अभी एक कमीशन तो उठा नहीं और उस पर दूसरा बैठा रहे हैं आप। पहले वाले को उठाने की जरूरत क्या है, उसी पे दूसरा बिठा दीजिए। क्या? हाँ, पहला कमीशन फेल क्यों हुआ, उस पे कमीशन बिठाइए और वो कमीशन जांच करेगा कि जनता को भयभीत करने वाला और इमरती देवी के गाल को सुझाने वाला ये गलनुचवा है कौन। जीजा कसम जीजी की, ऐसा मास्टर प्लान बनाएंगे कि देखते हैं गलनुचवा कैसे गाल लोचता है। मैं चलता हूं सर। जाइए जीजा। ये देखिए, ये क्या है? मास्टर प्लान है गलनुचवा को पकड़ने का। टोटल 5,000 पुत्तन सेना के सैनिक गलनुचवा को पकड़ने में लगेंगे जीजा। सबसे पहले ये एरिया बकर मंडी, यहां पर सबसे ज्यादा आतंक है गलनुचवा का, 10 लोगों का गाल नोचा है वहां, 500 लोग यहां रहेंगे। इधर फक्कापुर, यहां पर 50 लोग रहेंगे। इधर माल रोड, यहां पर 50 लोग रहेंगे जीजा। और फिर इधर श्री राम सेंटर, यहां पर 50 लोग रहेंगे जीजा। और 500 लोग रहेंगे अपोजिशन के लोगों पर निगाह रखने के लिए, अगर एक भी अपोजिशन का लोग किसी का गाल नोचता है तो हमारे सैनिक दौड़ के उसका गाल नोचेंगे जीजा। और ये रहा, कहां रहते हैं जीजा आप? सीएम हाउस। हाँ, सीएम हाउस पर 50 लोग निगरानी रखेगा जीजा, ताकि सीएम एंड फैमिली का कोई गाल नोच के नुकसान ना पहुंचा सके। जीजा पूरे मीडिया में इस प्लान का चर्चा है, क्योंकि बस इसमें 3 करोड़ का खर्चा है। क्या इतना खर्चा? अरे मास्टर प्लान है यार। लेकिन सर इतना बड़ा बजट में ऐसे ही कैसे सैंक्शन कर सकता हूँ? नहीं कर सकते हैं भाई है? अरे भाई प्रदेश के जनता के गाल का सवाल है। पुतन जी 3 क्या 5 करोड़ का बजट बनाइए। सीताराम जी पुतन जी का बजट पास कराइए। सर ये इतना बड़ा इशू नहीं है जिसके लिए इतना ज्यादा पैसा इशू किया जाए। कमाल की बात कर रहे हैं आप, प्रदेश की जनता भयभीत है, पुलिस प्रशासन हिला हुआ है, अपोजिशन शोर मचा रही है, असेंबली में गलनुचवा पर सवाल हो रहा है, आप कह रहे हैं कि ये बड़ा इशू नहीं है? सर ये पब्लिक का वहम है, आपको याद है एक बार बंदर का आतंक मचा था पर वो गलत निकला सर। ऐसे ये गलनुचवा कोई आतंक नहीं है, किसी की फैलाई अफवाह है सर। अरे कर्मचारी यही तो देखना है कौन फैलाया आतंक। सर इतना फैल के देखने की क्या जरूरत है? क्या बोला बे? मेरा मतलब पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है सर। लेकिन माननीय कोई भी गलनुचवा अभी तक पकड़ा क्यों नहीं गया जीजा? हाँ ये तो ठीक है सर, इस पे भी एक कमीशन बिठाइए। क्या? हाँ जांच कराइए कि पुलिस में कहां कमी रह गई है, कमीशन फौरन बिठाइए। नहीं सर ये सब गलत है। एक कमीशन आप अपने ऊपर भी बिठाइए। क्या सर? हाँ आप हर बात में ना क्यों करते हैं, सीएम की बात आप एक बार मानते क्यों नहीं है, आप पता लगाइए। मैं ना कब करता हूँ सर? चाहिए चाय लेके आइए। जी जाता हूँ सर। पुत्तन जी। जी जी जा।
इस बार कहीं कोई गड़बड़ी नहीं होना चाहिए, आपका कमीशन फेल नहीं होना चाहिए, नहीं तो हम आप पे कमीशन बिठा देंगे। जीजा, उसका जांच कौन करेगा? आप। अब तो इंक्वायरी कमीशन बैठा दो सर, पूरे 15 दिन हो गए पुत्तन जी की सेना को जांच करते हुए, पर अभी तक कोई गाल नचुआ पकड़ा नहीं गया। क्या सुन रहे हैं पुत्तन जी? आई एम सॉरी जीजा, विद्या रानी की कसम, हम हर गलनचुआ टाइप प्राणी का गाल नोच नोच के देखे हैं जीजा। हम खुद और हमारे सैनिक प्रदेश के गली गली में घुस घुस के देखे हैं जीजा। अरे जीजा, यहाँ तक कि अपोजिशन वाला को मार मार के देखे हैं, लेकिन गलनचुआ टाइप प्राणी मिल नहीं रहा है जीजा। तो वो कौन था जो पब्लिक का गाल नोच रहा है? वहम। और वो कौन है जिसको पब्लिक ढूंढ रहा है? अफवाह। आप ये कहना चाहते हैं कि ये सब अफवाह और वहम है? जी सर। हम कैसे मान लें? हम अपने पर्सनल आंख से देखे हैं कि इमरती देवी का गाल ऐसे सूझा है, ऐसे जैसे। अब देखिए, फिर से दीदी का गाल सूझ गया। अम्मा, क्या हुआ? गाल नोचवा फिर काटा का? पता नहीं, बहुत दूर दूर है। देख रहे हैं सीताराम जी, आपके आंख के सामने है, कहीं से गाल सूझा हुआ है इनका? आप कहते हैं गाल नोचवा अफवाह। वो सर पुतन जी, डॉक्टर उठवाइए। जी जी, जाम अभी उठा के लाते हैं दीदी। अरे डॉक्टर, काहे रो रही हैं भाई? मत रोइए, सब ठीक हो जाएगा। अब गलनोचुआ आपको ही काहे बार बार काटता है? नहीं पुतो। अरे देखिए ना भाई, उनको मुंह खोलिए। आप लोग नहीं भाई। ओ आ ओ हे डॉक्टर, ये मुंह के अंदर क्या देख रहा है? गलनचुआ मुंह के अंदर जाकर थोड़ी काटे हैं। कीड़ा तो अंदर है सीएम साहब। हाय बाप, दीदी के मुंह के अंदर बैठा है गलनचुआ। गलनचुआ नहीं, कीड़ा। वो कीड़ा ही तो गलनचुआ है ना? नहीं, वो क्या है कि ज्यादा मिठाई खाने की वजह से दांत में कीड़ा लग गया है। क्या जी? अरे तो दीदी का गलवा काहे के लिए सूजा हुआ है? इन्फेक्शन से। इनको गलनचुआ नहीं काटे है का? नहीं, गलनचुआ कुछ नहीं होता है। हाय बाप, तो दीदी का गाल जो है कीड़ा की वजह से सूजा हुआ है? अरे तो आप क्या सोचे कि गलनचुआ ने काटा है? चुप। उस दिन जो तुम्हारा गाल सूजा हुआ था वो गलनचुआ नहीं काटा था? नहीं, वो हम अपनी दाढ़ निकलवा लिए थे इसलिए गाल सूज गया था। क्या जी? अरे बुड़बक, तो पहले बताया कभी नहीं? हम तो बोल रहे थे सीएम साहब, पर आप तो सुन ही नहीं रहे थे। कैसे सुनेंगे सीएम? सीएम डॉक्टर से बड़ा होता है। जी जी। क्यों सीएम साहब? जाने दीजिए, देखिए इनको। सीएम साहब, दांत निकालना पड़ेगा। तो महाराज निकालिए ना। अभी निकाल देते हैं। सीएम साहब, ये बिल काहे का? मिसेज मुख्यमंत्री के दांत निकालने का, 7,55,55,025 पैसे का? अरे लेकिन अभी दांत तो निकला ही नहीं है। सोचिए, निकलेगा तो कितना होगा का? हाँ।